त्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं वेरी गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे बहुत ही खुश होंगे और नवरात्रि की तैयारियों में बहुत ही बिजी होंगे तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ नवरात्रों की जो भी मैंने डेकोरेशंस की थी और पूजा जैसे भी करूंगी सब कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग क्योंकि बहुत सारी बातें शेयर करनी है और वीडियो लंबी हो जाएगी चलिए शुरू करती हूँ सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगी कि ब्लॉग कुछ देरी से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि नवरात्रि की थोड़ी तैयारियाँ कर रही हूँ घर में नैतिक ने कुछ प्रिपरेशन की हैं तो शेयर करूँगी तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था नैतिक पहले से ही नवरात्रि की चौकी की सजावट की तैयारी कर रहा था तो देखिए पूरी उसने सजावट कर रखी है आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं यहाँ पर डेकोरेशन वाली छोटी जो लाइटें आती हैं वो लगाई हैं उसने ये देखिए यहाँ पर लड़ियाँ इस तरह से लगाई और हाँ लड्डू गोपाल के लिए ना यहाँ पर अलग से आसन लगाया गया है गौ माता के साथ तो बहुत ही प्यारा दरबार सजा है यहाँ पर माता रानी का तो देखिए हमारी माता रानी का भी लहंगा प्यारा लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी माता रानी भी और इनको भी हमने तैयार कर दिया है इनका लहंगा चेंज किया इनका स्नान कराया और उसके बाद इनको श्रृंगार करके बस नवरात्रों की देखिए मंदिर को भी हमने इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर से सजा दिया है बहुत समय लग जाता है और छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जिसका ध्यान रखना पड़ता है और एक भी चीज़ अगर मिस हो जाती है ना तो बाद में अगर याद आए तो बहुत ही बुरा लगता है तो इसलिए पूरा टाइम दिया है मैंने और नैतिक ने तो बहुत ही हेल्प की है सारा काम करने में लड्डू गोपाल का स्नान कराया यहाँ पर उनके वस्त्र बदले और यहाँ पर उनका किया श्रृंगार तो आज हमारे लड्डू गोपाल भी बड़े ही मनमोहन लग रहे हैं बस पूजा की तैयारी शुरू है और सभी चीज़ों को ला कर यहाँ चौकी के पास सुबह जल्दी उठे आज हम लोग सुबह उठकर सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया है और उसके बाद मंदिर की सफाई कर ली थी कल ही रात में चौकी यहाँ सजाई गई और धीरे धीरे एक एक चीज़ को याद करके यहाँ रखा जा रहा है वैसे सभी चीज़ें ला ली थी इकट्ठा रख दी गई थी कि कोई भी चीज़ रह ना जाए और यहाँ पर लाल कपड़ा चौकी में इस तरह से कलावे की सहायता से नैतिक ने बांध दिया है गुप्ता जी अभी नहाने गए हैं और इतनी देर में हम यहाँ पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं नवरात्रि की पूजा की इस तरह से कलावा से कपड़े को बांध देने से ना कपड़ा फिर हिलता नहीं है और सरकता नहीं है तो दो चौकियाँ यहाँ पर हैं दो चौकियों को इस तरह से हमने जॉइंट किया है और माता रानी की चौकी सजाएंगे क्योंकि ना थोड़ी छोटे साइज की चौकियाँ हैं तो एक चौकी पे सब कुछ नहीं रख पाते हैं तो इसलिए दो चौकी का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर तो लाल कपड़ा दोनों के हिसाब से यहाँ ले लिया गया था और इस तरह से कलावे की सहायता से बांध दिया है जगह को अच्छी तरह से साफ किया गया गंगा जल का छिड़काव किया गया है और पूरी व्यवस्था की है देखिए आर्टिफिशियल सॉरी डिस्पोजेबल ग्लासेस जो मैंने आपको बताए थे नैतिक ने कलर्स किए थे येलो रेड कलर में वो लगाकर कर यहाँ पर माता रानी की चौकी की सजावट की गई है यहाँ इस तरह से पंडाल बनाया गया है जो ये पाइप आते हैं जो हम पानी की सप्लाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं उसी पाइप को यहाँ लगाया गया और इस तरह से देखिए मिट्टी का कलश लिया था कल रोली ले को घोल लिया था पानी में और इस तरह से कलश पर ओम और श्री लिखा गया और कलश को भी यहाँ पर हमने रख दिया है तो जब तक हम सभी काम कर रहे हैं ना तो नैतिक यहाँ पे चौकी की जो तो भी जिम्मेदारी होती है बहुत ही आराम से यहाँ पर पूरी कर देता है और बहुत ही हेल्प कर देता है हमारी और हम कोई चीज़ ना भूलें इसलिए वो सभी चीज़ों को याद करके हमें बताते रहता है क्योंकि उसने सभी चीज़ों को एक डायरी में लिख लिया या यहाँ मिट्टी का बर्तन लिया था जो ज्वारे उगाने के लिए तो उसे भी इस तरह रात को ही भिगो दिया था हमने मिट्टी के बर्तनों को ऐसे रात को भिगोने से जितना भी पानी होगा ना वो सोख कर लेगा और अच्छी तरह से आपके ज्वारे होंगे तो देखिए अच्छी तरह से और यहाँ पे बना ली थी रंगोली तो ये नैतिक ने पहली बार बनाई है रंगोली देखिए बहुत ही कोशिश की है बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाने की और कैसी लगी आपको ये रंगोली प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और माता रानी जरूर प्रसन्न होंगी ये देख कर कि बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है बस यहाँ पर चौकी की अब तैयारी शुरू कर दी हमने इस तरह से चावल थोड़े से चौकी पर बिछा दिए और उसके ऊपर ये माता आदिशक्ति की रख दी हमने फ़ोटो क्योंकि मूर्ति हमारी बड़ी है मंदिर में विराजित है और उसे हम हिला नहीं सकते हैं बस यहाँ चौकी पर माता रानी की तरह से फोटो रख दी है हमने और उन्हीं की फोटो के ठीक ऊपर एक छोटी सी छतर लगा दी है हमने बहुत ही प्यारा लग रहा है देखिए छतर जो हमने लगाई है बहुत ही सुंदर लग रहा था और इसी इस तरह से एडजस्ट कर दिया हमने यहाँ पे और उसके बाद देखिए जो यहाँ डी जे बल लगाया है ना मैंने इस चौकी पर उसकी वजह से ये चौकी बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है माता का दरबार प्यारा सजा है तेरा दरबार भवानी भक्तों की बड़ी है कतार भवानी तो बस नौराते आ गए और नौरातों की इतनी उत्साह होती है ना लोगों में नौरातों में कि सारे काम फटाफट निपटाते हैं और सारा दिन बस पूजा पाठ माता रानी की याद और उनके नामों का भजन ही किया जाता है बड़े ही पावन दिन होते हैं ये तो आइए बिगड़े बनाते हैं अपने काम करते हैं माता रानी को याद और आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये हमारा माता रानी का दरबार यहाँ गणेश जी को विराजित किया सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणेश को हमने विराजित किया दुर्वा उन्हें अर्पित किया और यहाँ कलश की स्थापना जिसमें हमने जल भरा सुपारी हल्दी की गाठ और एक रुपये का सिक्का डाल दिया था और यहाँ पर हमने ना यहाँ देखिए इस तरह से नारियल पे अपनी माता रानी को बनाया हुआ है यानी उनको एक रूप दिया है और उनका लहंगा या इस तरह से उन्हें पहनाया एक लोट पीतल के लोटे पे और इस तरह से माता रानी को यहाँ विराजित किया उनको एक प्रतिरूप बनाकर और यहाँ पर कलश जो मिट्टी का था उसमें अब हम जा रहे हैं जल भरकर अक्षत सुपारी हल्दी हल्दीघाट एक का सिक्का डालकर और इसी के ऊपर हम नारियल जो होता है नवरात्रों में जो हम मनोकामना पूर्ति के लिए रखते हैं माता रानी का स्वरूप समझ उस नारियल को इस पर विराजित करेंगे तो गुप्ता जी नहाकर आ गए थे और आगे की पूजा हम सब साथ मिलकर बैठ कर यहाँ करेंगे पूजा की एक एक बात छोटी छोटी बात होती है जिसे याद रखना होता है और बहुत ही ध्यान देना पड़ता है हर एक चीज को कोई भी चीज़ हमसे भूल ना जाए हम छूट न जाए कुछ भी जितने उपाय हमें पता होते हैं जितने भी हमें हमारे पास जानकारी होती है हम सभी उसे याद करके यहाँ इस्तेमाल करते हैं जिससे माता रानी की कृपा दृष्टि हम पर भी हो जाए तो हम सभी माता रानी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं और यही प्रार्थना करती हूँ हे माँ बस आपके शरण में आए हैं बेड़ा पार कर दे जो भी है तेरा ही है माँ तो उसे स्वीकार कर ले तो बस आम के पल्लव रखे यहाँ पर और उसके बाद नारियल पर इस तरह चुन्नी लपेट कर कलश की स्थापना यहाँ पर हमने कर दी चावल की ढेरी लगा कर ये कलश नौ दिनों तक इसी तरह यहाँ पर विराजित रहेगा और यहीं पर अखंड जोत भी चलेगी तो चौकी नौ दिनों तक इसी तरह यहाँ पर होगी और इसी तरह माँ का दरबार यहाँ सजा रहेगा बस अब अखंड जोत की हो रही है यहाँ तैयारी तो यहाँ पीले चावल रख दिए थे और अष्ट दल कमल यहाँ पर मैंने इस तरह से बना दिया और इसी के ऊपर अब मैं यहाँ पर अखंड ज्योत जो नौ दिनों तक जलती रहेगी उसे यहाँ विराजित करूँगी यानी स्थापित करूँगी तो बहुत ही अच्छा लगता है इस सब कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह होता है और हम सभी मिलकर ये सब करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें बस घी डाल दिया था दीपक में और अखंड ज्योत की जो बाती आती है आ, दुकानों पे मिल जाती है बहुत ही आसानी से तो वो बाती हम लेकर आए थे और उसे डाल दिया यहाँ पर तो बस यहाँ कुछ कौड़िया ली थी पीली कौड़िया हल्दी गाठे गट्टे और गोमती चक्रों से कटोरी में रख दिया है और माता रानी के सामने रख दिया है तो पूजा में हर बात का मैं विशेष ध्यान दे रही हूँ यहाँ पर और जैसा जैसा बताया जाता है उसी हिसाब से मैं करती हूँ बस सभी तैयारियां हो गई थी तो अब माता रानी की पूजा शुरू कर रहे हैं हम तो माता रानी को सबसे पहले फूलों की माला पहनाइए देखिए कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है हमारी माता रानी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा मतलब उनका रूप है उनका श्रृंगार है जिसे निहारो तो बस यही मन करता है बस निहारते ही रहें माँ का रूप तो मतलब इतना सुंदर है कि जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं होते हैं जितनी स्तुति की जाए उतनी कम है तो आइए साथ में मिलकर इन नौ दिनों में माता रानी की स्तुति के हर एक शब्द को हम कहें जिससे माता रानी हमारी भी सुने और हमारी मनोकामना भी पूरी करें तो बस यहाँ पर देखिए फूलों की माला चढ़ाई उसके बाद फूल अर्पित किए और हाँ जो भी यहाँ पर सामग्री है जो यहाँ पर षोडश मातृकाओं को बनाया दे, बनाया हमने नौ ग्रहों को फिर यहाँ पर हमने पंचमेवे अर्पित किए माता को फूल अर्पित किए और यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर एक इस तरह से डब्बे में लाकर इस तरह से पूरा श्रृंगार जो भी माता रानी का है हमने सब कुछ यहाँ पर एक डब्बे में रख कर यहाँ रख दिया है माता रानी के पास पंचमेवा रखा है पूजा का जायफल रखा और आज का जो भोग है घी का भोग होता है माता शैलपुत्री का दिन है तो घी का भोग लगाया हमने उसके बाद रोली का टीका लगाया चावल अक्षत का टीका लगाया माता रानी को फूल अर्पित किए धूप दीप नैवेद्य से माता रानी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की खुशबुओं से पूरा वातावरण भर दिया जिससे माता रानी एक बार यहाँ पर भी नजर डाल दें अपनी और दरबार बहुत ही प्यारा सजाया है हमने नवरात्रों के ये नौ दिन बहुत ही खास होते हैं हम सभी के लिए हमारे जीवन में तो आप लोगों ने कैसे की है नवरात्रों की पूजा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और कैसी लगी मेरी ये माता रानी की चौकी प्लीज़ अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए तो इस तरह से हमने वस्त्र अर्पित किया अनेक कलावा इस तरह से और फल यहाँ पर अर्पित किए माता रानी को स्वरूप बस हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों को याद करके यहाँ रखते जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इस पूजा में जो रखी जाती हैं उसके बाद हमने पान का बीड़ा बनाया पान का बीड़ा माता रानी को चढ़ाया यहाँ पर दीपक में ज्योत प्रज्वलित की और माँ से यही प्रार्थना की हे माँ इन नौ दिनों तक इस दीपक के ज्योत दीपक में ज्योति रूप से अखंड इसमें प्रज्वलित रहने की कृपा कीजिए और हमारे दुख भरे अंधियारे जीवन को सुख समृद्धि और खुशियों के प्रकाश से भरने की कृपा कीजिए यहाँ पर हमने शंख ला कर रख दिया इस तरह से माता रानी की पूजा में जो भी मतलब यहाँ पर रखा जाता ना सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर ला कर रखा है और यहाँ पर श्री यंत्र को भी हमने विराजित किया सभी को टीका लगाया अक्षत का रोली का पान का बीड़ा अर्पित किया है फूल अर्पित किए धूप दीप चढ़ाया और उसके बाद आरती की और ये गुड़हल का फूल यानी बहुत ही प्रिय है माता रानी को तो इसका मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि इन नौ दिनों में ना मुझे ये फूल मतलब मिल जाए तो पूरी कोशिश करती हूँ कि नौ दिनों में इन्हें ये अर्पित करूं तो बस यहाँ पर हमारे जो माता रानी मंदिर में विराजित हैं उनको भी हमने तैयार किया था उनकी भी इस तरह से हमने पूजा की फूल माला पहनाया उन्हें और इस तरह से दीपक यहाँ भी प्रज्वलित किया अखंड ज्योत नीचे जलती है और यहाँ पर ये यह ज्योत हमने जलाई है जो सुबह शाम जलती है और इस तरह से हमने पूजा की और हम सभी ने मिलकर एक साथ आरती की है माता रानी की हर किसी की अपनी रीति होती है अपनी विधि होती है और हर कोई मतलब में से हर कोई अपने तरीके से माता रानी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं तो मैंने अपने जो भी मेरी कोशिश है वो आप लोगों के साथ शेयर की है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोशिश मेरी इस वीडियो के रूप में ज़रूर पसंद आएगी तो बस यहाँ पर ज्वारे हमने उगाए और उसके लिए मिट्टी ले ली थी मिट्टी इस तरह से इस पात्र में भर दी हमने और उसके बाद ज्वारों को ना रात को ही भिगो दिया था मैंने तो बस मिट्टी को इस उससे फैलाने के बाद ज्वारे डाल दिए थे तो और हल्का हल्का से फिर से ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी हमने और उसके बाद हल्का सा पानी का छीटा देकर ज्वारों को वहाँ रख दिया है चौकी पर ही और प्रार्थना की माता रानी से और यहाँ लड्डू को पल सज चुके थे तो उन्हें बस यहाँ विराजित कर दिया उनकी भी पूजा की हमने तो इतनी सी जगह है और इसी जगह में हमने पूरी व्यवस्था की है और कोशिश की है कि बस दरबार माँ का सज जाए और बस ज्वारे रख दिया यहाँ चौकी पर उसके बाद उन्हें भी धूप दीप नैवेद्य दिखाया फूल अर्पित किए और चंदन का टीका फिर लगाया हमने सभी को और यहाँ पर कुछ दक्षिणा रखी यहाँ पर माता रानी के पास और इसी तरह से हमने अपनी पूजा हाँ और यहाँ पर ना थोड़े से गोबर के जो कंडे होते हैं गाय के गोबर के कंडे उसे हमने थोड़ी सी धू जला कर यानी उपले सुलगा कर उसके ऊपर थोड़ी सी थोड़ी सी लोबान डाल दी थी थोड़ा सा देसी घी और गुप्ता जी ने यहाँ पर शंखनाद किया और अपनी पूजा को हमने इसी तरह से संपन्न किया तो सभी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है और जो भी मेरी प्रिपरेशन थी पूजा थी आप लोग के साथ शेयर की और यहाँ पर हमने आरती की फिर माता रानी सबसे सब पहले हमने मंदिर में अपनी माता रानी की आरती की फिर चौकी पर आरती की और बारी बारी हमने सभी ने आरती की है माता रानी की उसके बाद मैंने पाठ किया और पाठ मैं हर साल करती हूँ नवरात्रों में दोनों ही नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया यहाँ पर मैंने और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जाने अनजाने अगर कोई भूल हो गई हो तो हे अपना बच्चा समझकर अपना बा...